विश्व व्यापार न्यूज सुनल मीडिया ने विनीता के साथ, आइए देखते हैं आज की हमारी स्पेशल स्टोरी। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और उसके क्षेत्र का मामला अभी भी अदालत में है। कुछ वक्त पहले ही इसको लेकर सुनवाई भी शुरू हुई थी और सर्वे को लेकर चर्चाएं तेज थी। इस बीच यूपी सीएम का यह बयान आया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। अदालत में इसका सर्वे कराने को लेकर याचिकाएं दायर की गई हैं, जिस पर 3 अगस्त को हाईकोर्ट अपना निर्णय देगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर इसे ज्ञानवापी मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वह देखे ना कि त्रिशूल मस्जिद में क्या कर रहा है। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज से आना चाहिए कि ऐतिहासिक गलती हुई है, इसका समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर डॉक्टर एसटी हसन ने भी रिएक्शन दिया। उनका कहना है कि 2024 की तैयारी की जा रही है, अगर वहां 350 साल से नमाज हो रही है तो मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, जांच में साफ होगा कि वो क्या है। एसटी हसन ने कहा कि अगर संसद पर त्रिशूल बना दें तो सांसद को भी मंदिर कहेंगे क्या। मुस्लिमों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, बाबरी के वक्त भी ऐसा हुआ था। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद सिंगार गोरी से जुड़ा मामला अभी भी अदालत में है। यहाँ कुछ महिलाओं ने मस्जिद परिसर में सिंगार गोरी के क्षेत्र में पूजा की अनुमति मांगी थी। इसकी अर्जी में सर्वे की मांग की गई थी। स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते दिनों इस परिसर का सर्वे शुरू किया गया था, जिस पर मुस्लिम समाज ने आपत्ति जताई थी। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया है कि मस्जिद के अंदर शिवलिंग स्थित है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहे हैं। अभी जब एएसआई ने सर्वे शुरू किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिस पर अदालत ने दखल देने से मना किया और हाई कोर्ट के पास जाने को कहा। हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाने को कहा, जब तक एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। इंटरव्यू में सीएम योगी ने कई अहम बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से यूपी का मैं सीएम हूं, यहां एक भी दंगा नहीं हुआ है, किसी भी चुनाव में हिंसा नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में किस तरह चुनावी हिंसा हो रही है, ऐसे लोग सत्ता में आकर चीजों को कैद कर देना चाहते हैं। विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसे इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए, किसी के चोला बदलने से पिछले कर्मों की मुक्ति नहीं होती है। हमें उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। इस तरह की खबरों पर बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।